Hello and assalamu alaikum everyone. I am Isa Khan Jizul from Isa Khan Design and Drawing Center. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. I hope you all are doing well. Viewers, my previous topic, jo ke tha top 5 most impressive civil engineering projects throughout the world, throughout the history, उस पर आप लोगों का रिस्पांस देखकर मैंने ये फैसला किया था कि अब इंशाल्लाह जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी वो पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, पहले से ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होंगी। सो व्यूअर्स, इसी सिलसिले में जो आज का टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेके आया हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है, वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि जिसके बारे में हम लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उसका हमारे सिविल इंजीनियरिंग और हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेतहाशा इस्तेमाल है। जी हाँ व्यूअर्स, एक ऐसी ही वीडियो और एक ऐसा ही तस्करा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपने इस चैनल में। सो व्यूअर्स, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल इसा खान डिजाइन एंड ड्राइंग सेंटर को यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे फॉलो और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो व्यूअर्स, वीडियो का टाइटल देख लेते हैं। टाइटल क्या कहता है? टाइटल है व्यूअर्स, व्हाई एंड हाउ बैम्बू इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील रीइंफोर्समेंट। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो साथ साथ रहिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो व्यूअर्स, प्रॉपर एक स्टार्ट लेते हैं। व्यूअर्स, सिविल इंजीनियरिंग हमारी एक वास्ट फील्ड है। अब ये बहुत ज्यादा फैली फली हुई फील्ड है, काफी लोग इसके बारे में जानते हैं और काफी हाई स्कोप है इसका। अगर लेकिन ये एक सवाल उठता है कि हम हमेशा कि किसी फील्ड का स्कोप कैसे ज्यादा होता है या वो वास्ट कैसे होती है, तो व्यूअर्स उसका आंसर है रिसर्च। जितनी ज्यादा किसी फील्ड में रिसर्च होती है, साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर्स किसी फील्ड पे रिसर्च जितनी ज्यादा करेंगे, वो फील्ड ऑटोमेटिकली वास्ट होती जाएगी और लोगों में उसका शौर और इल्म बढ़ता जाएगा। सो व्यूअर्स, ऐसा ही केस एक सिविल इंजीनियरिंग का भी है। आए रोज हमारे जो इंजीनियर्स है एक नए रिसर्च के बाद ऐसे बिल्डिंग मटेरियल्स मुतारिफ करवाते हैं जो कि मोर कन्वीनियंट होते हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करते वक्त, और वो मोर इकोनॉमिकल भी होते हैं। सो ऐसा ही केस है हमारे पास है, और जो मैं वीडियो का टाइटल आपके पास आज लेके आया हूँ, व्हाई बैम्बू इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील रीइंफोर्समेंट। जी हाँ, अब बैम्बू एक ट्री है। अब आप लोगों में से काफी ज्यादा बैम्बू के बारे में जानते तो होंगे, लेकिन इसके बारे में अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि ये स्टील रीइंफोर्समेंट सरिये की जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। सो वीडियो के साथ साथ ही आप रहिएगा, एक प्रॉपर पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैम्बू हैज क्वाइट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इट इज कंपेरेबल विद स्टील। क्यों कंपेरेबल है? इट हैज एन इम्परमीएबल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द आउटर साइड विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम रॉटिंग ड्यू टू वाटर। सबसे पहले पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बैम्बू हैज अ क्वाइट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? व्यूअर्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, सपोज दिस इज अ मार्कर और मैं इस पर फोर्स लगाता हूं, अब मैं जितनी फोर्स लगाता जाऊंगा ये मार्कर इसको एब्जॉर्ब करता जाएगा, आखिर एक ऐसा टाइम आएगा ये उसके बाद बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो यहां इसकी तो वो उसकी हद होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ की, उसके आगे वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो टूट जाता है। सो ये यही कह रहा है कि बैम्बू हैज अ कम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू स्टील। नीचे जाकर हम देखेंगे कि आखिर कितनी है बैम्बू की और कितनी है स्टील रीइंफोर्समेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगली बात व्यूअर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पहले पैराग्राफ में मैं एग्जांपल देता हूं आपको एक। मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा होगा अपनी डेली लाइफ में कि एक सरिया, उसके एक बार स्टील रीइंफोर्समेंट अगर हम ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ दें बगैर कोई कपड़ा डाले उस पर, तो ऑक्सीजन और वाटर के, ऑक्सीजन और एयर के जो होता है अपना रिएक्शन, उसकी वजह से उस पर रस्टिंग शुरू हो जाती है, उस पर सरिया आना शुरू हो जाता है, उसकी सरफेस पर, स्टील रीइंफोर्समेंट की सरफेस पर एक येलोइश या ऑरेंज कलर की एक तह डेवलप होना शुरू हो जाती है जो कि सरिये को उसकी स्ट्रेंथ को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम कर देती है, उसकी रस्टिंग और स्टार्ट हो जाती है, वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, और अगर ज्यादा देर बढ़ा रहे तो ज्यादा रस्टिंग आएगी और उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। लेकिन बैम्बू को अल्लाह ताला ने एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर से नवाजा है, इसके आउटर साइड पर एक, अगर आप लोगों ने बैम्बू को टच किया हो तो येलोइश कलर की एक सॉफ्ट सी आउटर लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि इसे पानी से बचाती है रस्ट होने से।
पानी ना लगे ताकि इसे पानी लगने से ताकि ये रोटिंग स्किन हो सके, गले सड़े ना, ये बेम्बू खराब ना हो। तो ये बहुत बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। रिसर्च के बाद इसीलिए इंजीनियर्स ने इसे सजेस्ट किया कि आप इसे कंक्रीट में एज अ रिबार्स एज अ स्टील रिइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं चल के व्यूअर्स मजीद एलिबरेट करके अपने टॉपिक को आज के। नाउ एंड सिविल इंजीनियरिंग, ये मॉडर्न टाइम्स की बात हो रही है आजकल के दौर की। मैनी पीपल्स आर यूजिंग बेम्बू इन प्लेस ऑफ स्टील। व्हाई? But because bamboo is an excellent choice for steel reinforcement in concrete because of its higher strength as comparable to steel. ऊपर वाली बात को जरा सा मज़ीद elaborate किया गया है। Modern times की बात की गई है कि moderns आज के दौर में civil engineering की construction industry में bamboo को prefer किया जा रहा है because of its high compressive and high tensile strength. अब ये tensile strength में जरा सा हम comparison करके देखते हैं कि आया steel reinforcement कितनी और bamboo की कितनी है। Tensile strength of bamboo is 2800 per square inch, while tensile strength of steel is just 2300 square inch, 500 square inch का difference है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर bamboo पर हम bamboo के एक इंच पर 2800 square inch की अगर हम force लगाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, bend नहीं होगा। अगर 2800 से ऊपर चले जाएंगे bamboo bend होना या टूटना शुरू हो जाएगा। केस ऑफ स्टील, अगर हम स्टील के पीस पर एक बार पर 2300 पर स्क्वेयर इंच की फोर्स लगाएंगे नहीं टूटेगा, 2300 से ऊपर की लगाएंगे टूटना या बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्क 500 स्क्वेयर इंच का फर्क है, काफी ज्यादा फर्क है। बेम्बू के लिए 2800 लिमिट है जबकि स्टील के लिए जस्ट 2300 लिमिट है। अगली बात आपको बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है, मैं इसे रिपीट करता हूँ, बेम्बू इज स्ट्रॉन्गर मोर देन 6 टाइम्स ऑफ स्टील। हमारे पास जो सरिया होता है, जो स्टील रिइंफोर्समेंट होती है, जो लोहा होता है, बेम्बू उससे 6 गुना ज्यादा। ये मेरे अल्फाज है, ये रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर के अल्फाज है, ये इंजीनियर्स के अल्फाज है कि बेम्बू इज स्ट्रॉन्गर मोर देन 6 टाइम्स ऑफ स्टील। जो हमारे पास स्टील रिइंफोर्समेंट है बेम्बू उससे जो स्टील रिइंफोर्समेंट है बेम्बू उससे 6 गुना ज्यादा ताकतवर है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर इतने फायदे हैं तो बेम्बू हम यूज क्यों नहीं करते? व्यूअर्स, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में, इतनी अभी चीजें एडवांस नहीं हुई, अभी ये चीजें इतनी डेवलप नहीं हुई, अभी लोगों को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, आम शहरियों को, मुझे और आप इतना अभी इसकी अकल समझ और शऊर नहीं है। यहाँ पे हमारा अपने कंट्री की बात ही कर लें तो इससे अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो ये वक्त लगेगा। लेकिन ये चीज है कि ये चीज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन है, एक्टिव है, इस्तेमाल हो रही है, दिन ब दिन इस्तेमाल हो रही है। ये नहीं कि ये इसका इस्तेमाल है, इसीलिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने एक्सप्लेन किया तो आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों में शौर आएगा, आप लोग जाकर किसी और को बता देंगे या वीडियो को शेयर करेंगे तो बाकी लोग देख लेंगे। तो ये चीजें इस तरह आगे बढ़ती रहती हैं, वैसे तो ख्वाब तो नहीं आती, तो इसलिए। और जो इसके अलावा जो जो साउथ ईस्ट कंट्रीज जो हमारी हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज, वहां पर चूंकि बम्बू की क्या नाम है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, पैदावार ज्यादा है, तो वहां प्रेफर भी किया जाता है। अपने पाकिस्तान में भी कोई खास इतनी इसकी पैदावार नहीं होती कि हम इसे प्रेफर करें, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इतना होगा कि हमारे आम लोगों में भी इसकी शऊर आ जाएगा। अब व्यूअर्स आगे चल के देखते हैं, नेक्स्ट जाके देखते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। सो व्यूअर्स, बेम्बू की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एज ए बिल्डिंग मटेरियल और क्या 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 यूज है और कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, सो वीडियो के साथ रहेगा। थैंक यू। सो व्यूअर्स, आफ्टर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि कुछ यूजेस इसके आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। लेकिन यूजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता चाहूं कि बेम्बू के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलावा बेहद यूजेस और भी हैं, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक अपने इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है सो हम इसलिए ऐसे एज अ बिल्डिंग मटेरियल ही क्या नाम है अपना एज अ बिल्डिंग मटेरियल ही डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूजेस ऑफ बेम्बू, बेम्बू एज अ बिल्डिंग मटेरियल। बेम्बू एज अ बिल्डिंग मटेरियल हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो वेट। सबसे पहले जब मैं इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारी ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली बात तो हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में से कवर कर चुके हैं, लो वेट। जी हाँ बेम्बू, जी हाँ व्यूअर्स, बेम्बू एक लो वेट, हमारे पास एक दरख्त कह लें लो वेट होता है, इसका तना होता है ऑलमोस्ट, इसका तने का जो साइज होता है मैक्सिमम व्यूअर्स वो
12 टू 14 फीट होगा, मैक्सिमम 17 से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। इतना फीट क्या होता है लंबा, अगर आपने से कहीं देखा हो, यस मैंने देखा, इसलिए मुझे पता भी है इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर भी मैंने देखी भी है, बहुत सॉफ्ट होती है वो। सो ये बैम्बू इज अ बिल्डिंग मटेरियल, हैज हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो वेट, काफी ज्यादा लो वेट है। अब ये इसका यूजेस यहाँ पे यूज क्यों लिखा हुआ है, ये इसका एक एडवांटेज है, यूज मीन एडवांटेज। अब चूंकि जितना हम ऊपर रिइंफोर्समेंट भारी होगी एज ए रिजल्ट, ठीक है, हमारे जो नीचे का स्ट्रक्चर है, जो हमारे बीम्स हैं, कॉलम्स है, हमारे फाउंडेशन है, उन पर डेफिनेटली स्टील रिइंफोर्समेंट का वजन, जो अपना उसका वजन है, वो भी तो आएगा, कितना कितना टन सरिया हमारा पड़ता है। तो अगर उसकी जगह बैम्बू आ जाए तो उसका तो उसके हाफ से भी कम इसका वजन है, बिल्कुल लाइट वेट, एक स्टिक टाइप कह ले, गोल होती है, राउंड होती है, अंदर से खाली होती है, इसका बाहर एक शेल होता है, अंदर एक हार्ड शेल होता है, बाहर एक येलो सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और अंदर से बिल्कुल खोखली होती है, बिल्कुल खाली होती है, अंदर से एक स्टिक टाइप होती है। तो वजन तो वैसे भी इसका नहीं होता। अगेन, यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, स्ट्रक्चर्स एंड हाउसेस। अब कौन से ब्रिज, डेफिनेटली जो हमारे हाईवे इंजीनियरिंग में, जो हाईवेज में जो ब्रिज आते हैं, वो ब्रिज तो नहीं, वो तो काफी ज्यादा होते हैं, उस तुम्हें नहीं यूज कर सकते। जो हाँ बट जो हमारे गली मोहल्लों के ब्रिजेस हैं, या कुछ छोटा सा अपना कह रहे हैं कोई नदी नाला बह रहा है, दो गांव को आपस में मिला रहा है, वहां पर ऐसे आप यूज कर सकते हैं बैम्बू को इन प्लेस ऑफ स्टील। इसके अलावा स्ट्रक्चर और छोटे हाउसेस, छोटे घरों में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अमंग मैनी यूजेस, हाउसिंग इज वन ऑफ द मेजर एरियाज। अब हाउसिंग में हमारे पास क्या होता है, हाउसिंग में कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। अवियर्स हाउसिंग में एज यू नो कि बाउंड्री वॉल नेसेसरी होती है, जरूरी होती है, और बाउंड्री वॉल में आप बैम्बू को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बैम्बू से भी कर सकते हैं। एक तो इसकी लुक, एक्सटीरियर लुक, एलिवेशन इसका अच्छा आएगा, और एक आपका ये इकोनॉमिकल भी होगा, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल भी ये होगा। लास्ट में बैम्बू इज यूज टू होल्ड अप सस्पेंशन ब्रिजेस, जो हमारे पास सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, जो वायर्स से, जो हमारे जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, जो वो वायर्स जुड़े होते हैं सस्पेंशन ब्रिजेस, आपने देखे भी होंगे, और वहां भी इनका इस्तेमाल है। इसके अलावा वॉल कंस्ट्रक्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी घरों की जो सेपरेशन वॉल्स हैं, वहां तो चले हम इसे ना भी यूज करें तो भी इट्स ओके, बाकी जो हमारी बाउंड्री वॉल है, चूंकि वो हमारे पूरे प्लॉट को कवर कर रही होती है, उस पर खर्चा भी ज्यादा आता है, तो इकोनॉमिकल अगर करना चाहें तो बैम्बू को हम कंसिडर कर सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि बैम्बू की कौन कौन सी स्ट्रक्चरल शेप्स हैं, हम उसे किस किस शक्ल में ढाल सकते हैं अपने काम के लिए। सो वो लास्ट टॉपिक है, उसकी तरफ आते हैं, सो वीडियो के साथ रहिएगा। लास्ट में जो हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं अपने बैम्बू को, इंट्रोडक्शन भी हो गए, यूजेस भी हो गए, प्रोज एंड कॉन्स भी हो गए, और लास्ट में हम कुछ आपको बताने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चरल शेप्स ऑफ बैम्बू, कि हम बैम्बू को किस किस शक्ल में ढाल सकते हैं और किन किन मराहिल से हमें गुजरना पड़ता है, तब जाके हम बैम्बू को एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं। अब डेफिनेटली जो हमारे पास स्टील रीइंफोर्समेंट है, जो सरिया होता है हमारे पास, सरिये के भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं जिनसे हम सरिये को कट करते हैं, बेंड करते हैं, ठीक है, ये तो नहीं है ऐसे कैसा हम उसे खड़ा कर देते हैं, नहीं, मुख्तलिफ शेप्स में हम उसे उठाते हैं। सेम इज द केस इन बैम्बू, सो जरूर डिस्कस कर लेते हैं उसे। स्ट्रक्चरल शेप्स ऑफ बैम्बू, स्केयर्ड क्रॉस सेक्शन, हम इसे स्केयर्ड क्रॉस सेक्शन की शक्ल में, शेप में ढाल सकते हैं। स्क्रीन पर आपको उसकी पिक्चर भी आएगी। आर्क शेप्स तो आप ऑलरेडी हैं नोन होंगे आप लोग। आर्क शेप्स आपने मस्जिद में भी देखा होगा कि जो दो हमारे पिलर्स होते हैं, पिलर्स उनके ऊपर जो बीम होता है वो ऐसा आर्च होता है, एज अ गोल टाइप, अम्ब्रेला टाइप। सो कर्व्ड एंड फ्लैट शेप्स में भी हम इसे ढाल सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है डिफरेंट वर्क्स इन्वॉल्व्ड इन यूज ऑफ बैम्बू। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, वो कहते हैं कौन कौन से डिफरेंट वर्क्स हैं। सपोज चले हम एक घर को छोड़े, कंक्रीट ही हम बनाने लगते हैं, कौन कौन से वर्क हैं, हमें पहले पानी चाहिए, उसके लिए सीमेंट चाहिए, कोर्स एग्रीगेट चाहिए, फाइन एग्रीगेट चाहिए, इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स चाहिए हमें, तब जाके हमारी कंक्रीट बनती है। मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए हमें, फिर कंक्रीट को ढालने के लिए सूरज का वक्त ना हो, धूप का टाइम ना हो, शाम का वक्त हो या सुबह सवेरे का टाइम हो, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिन मराइल से हमें गुजरने के बाद
तब जाके हमारी बीम स्लैब या हमारा जो कॉलम्स या पिलर्स केस डिफरेंट वर्सन्स इन्वॉल्वड इन यूज ऑफ बेम्बो। अब कौन कौन से वर्क है, सबसे पहले हम बेम्बो को स्प्लिट करते हैं, और ये अब मैं आप लोगों को बता दूं बेम्बो इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसे इजीली नाइफ से भी स्प्लिट कर सकते हैं, कैंची से ये स्प्लिट हो सकता है। इसे स्प्लिट करते हैं पहले, क्योंकि हमें डिफरेंट साइजेस के चाहिए होते हैं, 5 फीट के चाहिए, 7 फीट के चाहिए, तो 18 फीट लंबे को तो जाहिर डेफिनेटली हम स्प्लिट करना होगा। उसको हम शेपिंग डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट टूल्स हम इसे शेप करते हैं। अब शेप कौन कौन सी है, वो शेप्स जो हैं वो ये शेप्स हैं, वो ये शेप्स हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग के बाद हमें शेपिंग करते हैं, शेप्स देते हैं, स्ट्रक्चरल शेप्स देते हैं, कौन कौन सी स्क्वायर देते हैं, आर्च वाली शक्ल देते हैं या कर्व और फ्लैट करते हैं। फिर उसके बाद हम जाके बेंडिंग करते हैं, इसकी बेंडिंग भी आप कंसिडर कर लें एज इन शेप्स में ही इसे कंसिडर कर लें। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बेम्बो या वाई स्टील रिइंफोर्समेंट या वाई एंड हाउ बेम्बो इज मोर स्ट्रॉन्गर देन स्टील रिइंफोर्समेंट। हमने इसमें देखा कि बेम्बो की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो स्टील से काफी ज्यादा है, बेम्बो की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो उसे रस्टिंग से पानी से बचाती है, हर तरह की से नेचुरली जो आफात है उनसे बचाती है। इसके अलावा हमने इस बेम्बू के ये देखा कि ये 6 times मोर स्ट्रॉन्गर है, ये ज्यादा वजन बर्दाश्त कर सकती है एज कम्पेयर टू स्टील रिइंफोर्समेंट, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसके यूजेस हमने देखे हैं, कैसे सस्पेंशन ब्रिज में यूज होता है, वॉल्स की कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, हाउसिंग में यूज होता है। इसके बाद मजीद आगे चल के हमने देखेंगे इसकी स्ट्रक्चरल शेप्स, कौन कौन सी शक्ल में हम इसे ढाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टूल। फिर हमने इसे देखा कौन कौन से वर्किंग से हमें गुजरना पड़ता है तब जाके हमें बेम्बू से अपने स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। सो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बेम्बू। सो ये अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो जरूर से लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिएगा, इसके लिंक कॉपी करके आगे भेजिएगा, ताकि मैंने आपको शुरू में बताया क्यों हम नहीं यूज कर रहे, अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस। अब मैंने आपको बताया 50 लोगों ने देखी थी, 50 लोगों में आ गई, उन्होंने ये पैगाम आगे पहुंचाया तो ज्यादा लोगों में जाएगी। तो इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारे, और वैसे भी हमारे इंजीनियर मजीद रिसर्च कर ही रहे हैं, तो बाकी वो रिसर्च जो होती है ढकी छुपी होती है, आम आवाम तक नहीं पहुंच जाती, तो फिर हम किसी न किसी तरीके से आप डेफिनेटली, हमारे पास तो एक ही मेन है सोशल मीडिया, फेसबुक होगी, यूट्यूब, इंस्टा होगी, तो हम इनके थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो व्यूअर्स, वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया वीडियो बट तक देखने का, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मेरा जो फेसबुक पेज है सेम नेम से जहां डिजाइन एंड ड्राइंग सेंटर, उसे भी लाजमी, क्योंकि हमने बहुत जल्द 2000 को रीच करना है, तो डेफिनेटली उसे भी लाइक कीजिएगा। बाकी स्टे होम स्टे सेफ, आप सबका बहुत शुक्रिया, एंड स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।